बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, फजल मेडिकेशन में शामदीद। उम्मीद आप सब दोस्त कार्य से होंगे। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में हम फिर अलियास प्लस के पास की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले भी वीडियोस देखी हैं, उनकी तरह हम फिर इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक कॉइन पर्स था जो कि मैंने अलियास प्लस से ऑर्डर किया था, और ये देखें, इसके ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है कॉइन पर्स के नाम से, और आगे इसका वेट लिखा हुआ 0.021 किलोग्राम, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1.19 USD। लेकिन दोस्तों, मैंने इसको 1.50 USD के अंदर परचेस किया था, और बाकी भी आप इसके ऊपर डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, ये तुर्की पोस्ट के ज़रिए पाकिस्तान में डिलीवर हुआ है, और आज पाकिस्तान पोस्ट वालों ने मुझे ये डिलीवर किया है, यानी कि तुर्की पोस्ट के ज़रिए ये पाकिस्तान में है, और उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट वालों ने ये मुझे सेंड किया है। और दोस्तों, ये मुझे 10 अप्रैल को ये रिसीव हुआ है, और ये सेलर ने मुझे 9 मार्च को सेंड कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि जो मैंने अलीएक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, क्या वही चीज़ है या नहीं। तो जी दोस्तों, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया, और ये देखें जी, इसके अंदर मैंने एक और कवर बनाया हुआ था। ये देखें जी दोस्तों, ये था वो कॉइन पर्स जो कि मैंने अलीएक्सप्रेस से ऑर्डर किया था $1.5 के अंदर। लुक भी बहुत अच्छी लग रही है, और काफ़ी स्मूथ है ये। इसके अंदर हम अपनी हैंड फ्री USB एक्सेसरी, इस तरह की बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमको कैरी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि अंदर से इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, अंदर से भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख ही सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी हैंड फ्रीज वगैरह या USB वगैरह रख सकते हैं, और भी अगर हम जो स्मॉल थिंग्स हमको कैरी करना चाहें तो ये एक काफ़ी अच्छा बैग होता है। तो दोस्तों, ये अपनी प्राइस के लिहाज से एक अच्छी चीज़ है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं इसको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक ऊपर क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। शुक्रिया।